पूरा देश कोरोना के संकट में है। सरकार सभी को मुफ्त में राशन उपलब्ध करवा रही है जिससे कोई भी गरीब भूखा ना रहे, लेकिन राशन के कुछ ठेकेदार अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला तहसील कांट से जुड़ा है जहां पर राशन डीलरों ने ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राशन डीलरों ने ठेकेदार पर आरोप लगाया है कि जैसे पहले हमारे घर पर राशन पहुंचाया जा रहा था वैसे अब नहीं पहुंचाया जा रहा। इसमें ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। डीलर फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजेश चौधरी ने बताया कि ठेकेदार दुकानों पर राशन नहीं पहुंचा रहे हैं जिससे गरीब लोगों को राशन नहीं मिल पाएगा। हमसे ठेकेदार ने कहा कि आप खुद लेकर चले जाओ, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें बहुत नुकसान होगा। हम चाहते हैं कि जैसे पहले हमारी दुकान तक राशन पहुंच रहा था वैसे ही अब भी पहुंचे। समस्या है उसमें के लिए यहाँ पर खाद्यान्न लेने आए थे, जो लेने आते हैं वैसे तो डोर स्टेप डिलीवरी में हमारा खाद्यान्न वहीं पहुँचने का वो है, लेकिन यहाँ पर एक नई व्यवस्था शुरू कर दी है इन्होंने कि यहाँ पर पल्लेदारी, भराई की, उतराई की और माल पहुँचाना, जबकि हमारा पैसे लेने का कोई काम नहीं है। ये जो है ना पैसे लेने का है ना देने का है, ये हमारे यहाँ पहुँचाएँ और ये व्यवस्था चली भी आ रही थी पहले से, लेकिन परंतु यहाँ पर ठेकेदार द्वारा बताया गया है कि आरएम साहब के आदेश हैं हमें कि आप पैसे दें, ठेका तो आपका ख़त्म हो गया है। मेरी यही समझ में नहीं आती कि ठेका जब ख़त्म हो गया है तो ठेके में हमारे चालान से पैसे कटने चाहिए, कट के आने चाहिए, लेकिन ठेकेदार पेमेंट कर रहा है, ठेका ख़त्म होने के बाद पैसा कहाँ से आ रहा है इस पर। और हमारे हम ये चाहते हैं हमारी जो व्यवस्था है, पहली व्यवस्था जो हमारा जैसा माल पहुँच रहा था वैसे ही पहुँचे और जो है ठेके भी खत्म नहीं हुए हैं, ये भी हमारी पूरी जानकारी में है, तो ये गुमराह कर रहा है, गुमराह ना करे। चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप गूगल प्ले पर उपलब्ध।